हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, एक मैंने एक कोस्टर बनाया, 3D वॉल हैंगिंग कोस्टर। तो आप इसमें क्ले को यूज करके बना सकते हो। तो आपको बताता हूँ क्या तरीका है। तो आपके घर में कुछ भी एक राउंड शेप का, जैसे ये टी मेट में यूज कर रहा हूँ, ये ख़राब हो गया था, तो इसको हम यूज करके कोस्टर बना सकते हैं। तो ये थोड़ा स्मूथ है, इसका जो सरफेस बहुत स्मूथ है, तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे। कुछ भी करें नहीं तो उसमें कलर वगैरह लगेगा नहीं, पेंट भी नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सा ढंग से मतलब रफ कर सकते हैं। तो इसको पूरा मिटा देते हैं। इसके बाद फिर हम इसको पेंट कर सकते हैं। व्हाइट कलर है तो अच्छा है, बट मेरे पास व्हाइट कलर था नहीं, तो मैं इसलिए ये कलर यूज कर रहा हूँ। तो इसको बढ़िया से पेंट कर दो, जैसे वो दिखे नहीं सरफेस। ये देखिए हो गया पूरा पेंट करने के बाद। फिर इसके बाद हम क्ले यूज करेंगे। जैसे क्ले आप देख रहे हो, मेरे अगर आपके पास व्हाइट कलर का क्ले है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप कैसे भी बना सकते हो। ऐसे भी हमको कलर करना है इसको, तो मैं इसको ऐसे अभी मिक्स कर रहा हूँ दोनों, तो ये स्ट्रांग हो जाए। फिर इसको हम स्टेम बना रहे हैं अभी। तो स्टेम जैसे आप डिजाइन जानते हो वैसे बना सकते हो। ये तो मेरा डिजाइनिंग है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो यू कैन फॉलो इट। तो फिर स्टेम करने के बाद फिर दूसरा एक स्टेम बनाएंगे। तो मेरा यहाँ ये आइडिया है कि मैं 3 उल्लू बनाऊँ और इसको बैठाऊँ स्टेम में। तो दूसरा भी ऐसे बना सकते हो आप। तो बनने के बाद इसको फिर आप एक और दूसरा स्टेम बना सकते हो। और इसको चिपकाने के लिए आप फेविकल भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे भी लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा पीस करके उसमें हम पत्ता बना सकते हैं, फूल भी बना सकते हैं। इसे ऐसे ऐड करते जाइए, तो फिर बाद में इसको पेंट करा सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी जानते हो आप बना सकते हो, बट ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे को जो आइडिया है मैं ऐसे बना रहा हूँ, यू कैन फॉलो इट। तो ये देखिए, मैं 3 उल्लू बनाने के लिए पहले ही क्ले को थोड़ा सा बनाया और इसको चिपका दिया। मैं फेविकल का यूज किया हूँ बिकॉज रिस्की है, अगर गिर जाएगा तो, इसलिए मैं थोड़ा सा फेविकल यूज किया हूँ। अभी तो मैं पेंट कर रहा हूँ, तो ये पेंट मतलब स्टेम के जो कलर होता है ब्राउन, तो ब्राउन कलर था मेरे पास, तो मैं इसको ब्राउन कर रहा हूँ अभी, तो थोड़ा सा रियल लगे। और पत्ता जो है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब लाइट ग्रीन होगा तब भी चलेगा। तो ये क्ले मेरे पास था, मैं क्ले से ही पत्ता बना दिया। तो आप देख सकते हो मैंने सारे स्टेम में थोड़ा सा पत्ता वगैरह ऐड कर दिया। तो अभी एक यूनिक कलर करके फिर उसका एक साइज देंगे जो लो बनाने के लिए। तो मैं ये देखो उल्लू का थोड़ा सा मैंने पेंसिल से पहले आर्ट बना लिया, मतलब ड्राइंग कर लिया, उसके बाद फिर इसको मैं कलर कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप देखते रहिए कैसे मैं कलरिंग कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ। इसको आप बैल्कन में भी हैंग कर सकते हो, या फिर आपकी ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो। तो जितना अच्छा आप ड्राइंग करोगे तो ये अच्छा लगता है। देखो मैं अभी कलर कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास जो भी कलर्स अवेलेबल था उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, स्केच पेन भी यूज कर रहा हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा हो गया अभी। तो अभी थोड़ा सा इसको, जैसे स्टेम है पत्ता है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रहा हूँ। बस ये थोड़ा सन है जो बना सकते हो, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा स्पेस था तो मेरे को लगा थोड़ा सा वो भी बना दें। ये आपके सामने देखिए बन गया अभी, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इसके ऊपर भी और भी कुछ अगर आइडिया है तो आप लगा सकते हो, अदर इट इज लुक्स फाइन नाउ। तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे भी बेल्कोनी में हो, या फिर आपके ड्राइंग रूम में हो, या स्टडी रूम में भी आप रख सकते हो। इट्स सो नाइस, मतलब बहुत बढ़िया दिखता है ये। तो मैंने लगाया, आपको दिखाता हूँ मेरे दीवार पे कैसे दिख रहा है। ये देखिए मैंने मेरा ड्राइंग रूम में लगाया हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है ये। थोड़ा सा छोटा साइज है, बट आप बड़ा साइज भी यूज कर सकते हो। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू, बाय बाय।